ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। ये विचारधारा की लड़ाई क्लियर कट, ठीक है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा मैं जानता हूं, वो मेरे साथ कॉलेज में थे, बातचीत चली है मेरी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है, तो ठीक है, वो फ्रेंडशिप है। बट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दिल में जो है और उनके मुंह से जो निकल रहा है वो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही